नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ सिकंजी मसाला। सिकंजी मसाला बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: जीरा आधा कप, काली मिर्च 1.5 चम्मच, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, काला नमक आधा चम्मच, सेंधा नमक 1 चम्मच, सूखा अदरक या सौंठ का पाउडर 1 से 2 चम्मच, हरी व छोटी इलायची 2 से 3 या आधा चम्मच। सिकंजी बनाने के लिए सिकंजी पाउडर आधा चम्मच, नींबू व पिसी चीनी स्वाद अनुसार, बर्फ पानी आवश्यकता अनुसार, पुदीने के पत्तियां 7 से 8। सबसे पहले जीरे को साफ कपड़े से पोंछ लेंगे जिससे कि इसकी धूल वगैरह निकल जाए। आधे कप जीरे को 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग को कम आंच पर भून लेंगे और दूसरे को कच्चा रहने देंगे। गैस को बंद कर देंगे। काली मिर्च, इलायची और कच्चे जीरे को डालकर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हम मिश्री को कूट लेंगे। ये हमने धागे वाली मिश्री ली है। यदि आपके पास धागे वाली मिश्री ना हो तो आप इसमें चीनी को पीसकर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर से धागे को निकाल देंगे, जो भी धागा होगा। धागे वाली मिश्री स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। मिक्सी जार में डालेंगे। मिक्सी को चलाते हुए सामग्री को बारीक पीस लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। मिश्री पीसकर तैयार हो चुकी है, प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, इसको भी मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। मसाला बारीक पीस चुका है। एक प्लेट पर छलनी रखेंगे और मसाले को छान लेंगे। जो मोटा दाना है वो छलनी के ऊपर आ जाएगा। मिश्री मिलाएंगे। मिश्री डालते वक्त हमारी वीडियो स्किप हो चुकी थी। सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काला नमक डालेंगे और मिलाएंगे। नमक चख लेंगे, यदि नमक कम होगा तो हम इसमें दोबारा से भी नमक डाल सकते हैं। पिसा अदरक का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें साधारण नमक और काला नमक भी डाल सकते हैं, यदि आपके पास सेंधा नमक ना हो। सिकंजी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। एक कटोरे में निकाल लेंगे। इसको हवा बंद डब्बे में भरकर रख लेंगे और जब आपका मन चाहे तब आप सिकंजी बनाकर पी सकते हैं। सिकंजी बनाएंगे। 7-8 पुदीने के पत्तों को धोकर क्रश कर लेंगे। एक गिलास में डालेंगे स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी। आप इसमें चाहें तो चीनी या बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू को एक कटोरे में अलग से निचोड़ लेंगे जिससे कि बीजों को अलग कर लें। नींबू का रस डालेंगे, आधा चम्मच सिकंजी का पाउडर, आवश्यकता अनुसार बर्फ डालेंगे। दोनों गिलासों में इसी तरीके से सामग्रियों को डाल लेंगे। दोनों गिलासों में आधा आधा चम्मच सिकंजी पाउडर डालेंगे, मिलाएंगे। दोनों गिलासों को पानी से भर देंगे और चलाएंगे। सिकंजी मसाला से सिकंजी बनकर तैयार हो चुकी है। नींबू व पुदीने से सजाकर ठंडा ठंडा परोसेंगे। रेसिपी पसंद ना आई हो तो आप इसको नापसंद भी कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं।
और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।